खत्म सा आ रहा है। क्या हो गया, कैसा टेस्ट है भाई? जब कुर्बानी होती है ना, और एकदम ढेर सारी जो स्मेल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, हाँ, जो अरोमा होता है। पैसा इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो तो मोमोज लाएंगे, कंटेंट मिलेगा, तो कंटेंट के लिए देख रहा हूँ। ये देखिए मोमोज खाया, फ्री में चटनी की जो है तस्करी कर रहे हैं। क्या करोगे बेटा इसका? चटनी की तस्करी करोगे क्या? ब्लैक में बेचूंगा भाई, जब एक बार फिर से आप सभी को खुश आमदीद मेरे YouTube चैनल पर, और आप सभी को बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारकबाद। आप सभी को पता है कि आज बकरा ईद है, तो बस मस्जिद चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया, उसके बाद फिर मिलेंगे। फैजान आ गए हैं, फैजान के साथ हम लोग चल रहे हैं मस्जिद। आइए फैजान भाई चलें। سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل بعد ہو گئی ہے ہم لوگوں کی, اب تھوڑا سا ایسے ہی آئے ہیں, فوٹو ٹو کلک کرا لیا جائے, اس کے بعد پھر قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور پھر تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں آپ لوگوں سے. जैन यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, पत्ता तो अच्छे से खिलाओ जैन. अच्छा चलो तो भाई ये देखिए, ये है बकरा ईद स्पेशल गेटअप, जो सबसे खराब टी शर्ट और लोअर होती है उसको पहना जाता है, क्योंकि कपड़ा खून वगैरह लग सकता है. अब जो है चलिए काम में जा रहे हैं लगने, और आप लोगों से फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फ्री होकर शाम में, फिर दोबारा तैयार होकर मिलेंगे. चलिए तब हेलो गाइस, तो भैया अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, ये दो पागल आ गए हैं मेरे साथ, और ले तो ले मुझे ले ले ये. अब तो इन दोनों का बहुत शौक था, इन लोगों ने मुझे 500-500 रुपए दिया है, कहा भाई मुझे अपने ब्लॉग में ले लो छपरी, पीछे वाले ने खास करके दिया है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं. बहुत बड़े ब्लॉगर साहब है हमारे, उनके ब्लॉग में आके मैं ठंड हो चुका हूँ. सामान लेने जा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जब फ्री होंगे, देखिए अभी इसीलिए मेरी हालत बनी हुई है कसाई वाली, ये लोग तैयार आ गया होंगे, और अब मैं कैमरा दे रहा हूँ इन लोगों को. लो भाई पकड़ो फोन, काम से फारिग हो गए और जो इससे वगैरह बांटने से वो भी हो गया. अब हम लोग आए और मोमोज पार्टी चल रही है, उसके बाद फिर पियेंगे लाइबा का जूस. हमारे लाइबा ये आया है, एक लड़का बेचारा दिल्ली से, बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज है दोस्तों, अल्टीमेट. आइए एक बार ट्राई करिए, पीछे लगाए बिल्कुल झूठ बोल रहा है, खिलरी कही बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है, अच्छा है. पत्ता को भी लग रहा है, हाँ भाई पत्ता को भी रख दिया, बात तो सही है. अरे ने मंगाया ऑरेंज, क्या मिला तुमको ऑरेंज की जगह? बहुत बड़ा धोखा किया, स्कैम है ये दोस्तों. क्यों? लाइबा जूस के द्वारा हमारे साथ स्कैम किया गया, बेटा बात कम करो, फ्री में पी रहे हो तो पी लो चुपचाप, चाहे जो मिला हो, वरना इलाहाबाद और खास कर दिल्ली वालों को तो बहुत ज्यादा. नोएडा दिल्ली सब पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाते जाकिर नगर ही हो. बिल्कुल दोस्तों चलो फिर भी आप आइए लाइबा ट्राई कीजिए. अच्छा बकरे का जो खत्म सा आ रहा है, क्या हो गया, कैसा टेस्ट है भाई? जब कुर्बानी होती है ना, और एकदम ढेर सारी जो स्मेल फ्रेग्रेंस नहीं होती है, हाँ, अच्छा, जो अरोमा होता है
चर्बी का उसका आफ्टर टेस्ट वैसे ही है भाई। मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, भाई करना दोस्तों, इसको पी के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 4 साल पुरानी जो चॉकलेट का डब्बा था ना कहीं किनारे पड़ा हुआ था उसे अलमारी से निकाल के मिलाया गया। हो सकता है फीलिंग लाइक एक्सपायर्ड। चलो कोई बात नहीं, हमारे जूस आने वाला है, हमारे जूस की बारी। बताइए इसकी। मैं आपको उम्र की 8 से 5 साल पहले की फोटो दिखाऊंगा, आपको समझ। अभी एक जगह का मोमोज काट चुका है 50 रुपए का, दूसरी जगह से लेकर आया है और हमारे हाथ में एक मोमोज बाकी पूरा एक हाथ। दोस्तों आप कुछ दिन बात है, मैंने सोचा ये दूसरा मोमोज अच्छा होगा, ये उससे भी ज़्यादा भाई एकदम उम्र की पता नहीं आया हुआ है यार। पैसा इसलिए उड़ाया जा रहा है ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो तो मोमोज लाएंगे, कंटेंट मिलेगा तो कंटेंट के लिए देख रहा हूँ। कहीं कंटेंट हुआ लोगों का ध्यान रखिए, और मोमोज लेके आओ, पनीर वाले लेके आओ। ये देखिए मोमोज खाया, फ्री में चटनी की जो है तस्करी कर रहे हैं। क्या करोगे बेटा इसका? चटनी की तस्करी करोगे क्या? इससे ब्लैक में बेचूंगा भाई, जब ब्लैक मोमोज की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ यही खरीदेगा तुमसे मोटा मोमोज का दीवाना। चलो मेरे जैसे होंगे। अब कहाँ चलना है? चलिए तो मेरे चलते हैं घर। और मोमोज खाओगे उमर? खा लो। क्या बात है, एक टाइम था दोस्तों जब हम लोग इसी तरह से सीखा करते थे, आज हम सिखा रहे हैं। से एक पापा के बच्चे भाई को साथ में बढ़ाते हुए देखते हैं, उसी तरीके से आज हमको देख के खुशी हो रही है, समझ रहे हैं। और चटनी हमारे साथ है, घर जा रहे हैं। चटनी करोगे? अच्छा है, ये कितने का मोमोज खाया तुमने आज उमर? 100 रुपए भाई, 100 रुपए हवा में उड़ गए, 100 रुपए सवारी हल्की हो भाई। बेटा 100 रुपए का मोमोज खा गए, हमने से 30 रुपए बेचते था, बाकी 60 रुपए। चलो अच्छा बात कम करो, समझे? तो दोस्तों फाइनली घर आ गए हम लोग, उमर लोग अपने घर चले गए और मैं घर आ गया हूँ। और आज बहुत ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था आज। ये दिन ईद के जैसा नहीं होता है कि मतलब हम लोग जाएँ, उसमें होता क्या है कुर्बानियाँ वगैरह होनी होती है और उसके बाद फिर कुर्बानी का 3 हिस्सा होता है, एक हमारे घर में मतलब जो कुर्बानी करता है वो रखता है और एक हिस्सा हमारे रिश्तेदारों का होता है, दोस्तों का होता है, और एक हिस्से में जो ज़रूरतमंद गरीब होते हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होती है उनको दिया जाता है। तो इन सब में समझ लिए कि पूरा दिन चला जाता है, तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाया। बहरहाल मेरी कोशिश है कि कल अब दूसरी बकरीद है उसमें जो है देखिए दोस्तों से मुलाकात होगी और फिर कुछ प्रोग्राम भी बनाया जाएगा, तो बाकी आपको अपडेट मिलती रहेगी। बहरहाल आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत जल्दी 700 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे। एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा ढेर सारे नहीं हैं, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी मेरे 700 सब्सक्राइबर्स लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। यही कुछ 25-30 सब्सक्राइबर बचे होंगे, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Then I'll